पीपलखेड़ा बालाजी धाम गांव से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह ने 2018 विधानसभा चुनाव का किया है शंखनाद। आगामी विधानसभा के चुनाव की तैयारी के मद्देनजर जयवर्धन सिंह राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के दौरे पर निकल चुके हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने सोयत कला बालाजी से की है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि ये तो सिर्फ शुरुआत है और आप सबका अधिकार बनता है, क्योंकि हमने हमेशा आप सबको हमारे परिवार सम्मान माना है। आने वाले समय में जो भी और काम होगा धर्मशाला के लिए, 2 लाख क्या ठाकुर साहब, 20 लाख भी आप कहो तो वो भी हम पूरा करेंगे आपके। 2 लाख जो अपनी टंकी का काम है, टैंकर का काम है, वो मैं पूरा करवा दूंगा, ये मेरा आश्वासन है आपके लिए। और इसके बाद भी अभी मुझे बताया गया, हमारे अमर सिंह कहा है सरपंच साहब, सरपंच ने मुझे, मैंने पूछा उनसे कितना काम हो गया है, हमने कहा कि अभी जो दूसरी मंजिल है उसका काम चालू होने वाला है, तो मैं मांगता हूँ दूसरी मंजिल पूरा होने के लिए और भी राशि की जरूरत पड़ेगी, तो आप चिंता मत करो, हम सब खड़े हैं आपके साथ, जो भी लगेगा। और उसके बाद चाहे तीसरी मंजिल हो, चौथी मंजिल हो, साथ में विशेषकर हमारे बालाजी के लिए भी कुछ भी सेवा मेरे लायक हो तो उसके लिए भी मैं आपके साथ हमेशा जी जान से खड़ा हूं, क्योंकि आखिर अगर हमने समाज सेवा में, जनता सेवा में आने का निर्णय लिया है तो मैं मानता हूं हमारा कर्तव्य रहेगा, अभी के लिए नहीं। संचालक आदरणीय श्री लाल माठ साहब, हमारे सुसनेर के दिग्गज नेता गुड्डू राणा साहब, हमारे आगर मालवा क्षेत्र के डांगी समाज के जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्ण जी डांगी साहब, हमारे धर्मशाला के अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी पटेल साहब, हमारे सोयत कला के मंडी अध्यक्ष आदरणीय सुभाष डांगी जी, यहां उपस्थित आदरणीय मंडोई जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष। सोयत कला से बजरंग डांगी की रिपोर्ट।